धंधे का पर्दाफाश किया था। इसी की निशानदेही पर अब तक इस रैकेट से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बिना डॉक्टर की मिली भगत से एजेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, और इसमें हमें जहाँ तक पता चली है हमारे वकीलों से कि इसमें कोर्ट का प्रोसीजर होता है, पुलिस का वेरीफाई होता है, कोर्ट का कुछ ऑर्डर आने के बाद कोर्ट एक डेट और एक टाइम देती कि ये टाइम पे आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना है। सबसे पहले इस युवक की आप बीती सुनिए कि आखिर इस युवक ने रैकेट को बेनकाब क्यों किया। मेरे पे ना कर्जा है। कैसे कर्जा हो गया? अब घर में कोई कमाने वाला नहीं रहेगा, खाने वाले चार रहेंगे तो कहाँ से आएगा? तो आपने कर्जे के लिए किडनी बेची और पैसे भी नहीं मिले, तो इसीलिए आपने बदला लेने का उससे ठाना है? जब मेरे को पैसा नहीं दिया तो मेरा दोस्त था उसको मैंने बताया, तो उसने मेरे को उसने फिर मेरे को कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके पास लेके गए, फिर मेरे को इसके आगे का कार्यक्रम भेजने संभालते हैं। खुद युवक की जुबानी सुनिए कि जब ये मुफलिसी के दौर से गुजर रहा था तो इसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर मेरा एक आटा गया है, यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अलावा मेरे को अभी तो कुछ तकलीफ नहीं है, अगर आगे चल कर कुछ होता है तो मेरे को मालूम नहीं है। तो घर वालों को आपके मालूम है आपने किडनी डोनेट किया? मेरे घर पर किसी को नहीं मालूम है, मेरी शादी भी हो चुकी, मेरे वाइफ को भी नहीं मालूम। तो आपके लिए बहुत दुख की बात है कि आपको पैसे भी नहीं मिले, आपकी किडनी भी चली गई। तो इसके लिए फिर मैंने लोग को पकड़ने का फैसला किया था घर के, मेरे साथ ऐसा हुआ और लोग के साथ ऐसा न हो। सुना आपने, 10 लाख में युवक से किडनी का सौदा तय हुआ। युवक के मुताबिक 17 मार्च को हीरा नंदानी अस्पताल में इसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन जिस पैसे के लिए इसने अपनी किडनी बेची वो पैसा नहीं मिला। ऐसा कहना है उसका कि मेरा भी किडनी निकाल चुके, तो बोलता मेरा दर्द जो मेरे पास गुजरी है वो किसी और पे ना गुजरे, उसका कहना ही है। इसके लिए बोलता आप लोग सब मिलकर रैकेट को ओपन करो कि आज मैं फंस चुका हूँ और कोई गरीब इसमें फंसे नहीं। युवक के मुताबिक इस रैकेट में सफेद कोट वाले डॉक्टर भी शामिल होते।